नमस्कार दोस्तों, माननीय गुमान सिंह जी डामोर साहब के द्वारा आज जोबट से प्रताप नगर के बीच में नई गाड़ी का उद्घाटन कर दिया गया है। अब से कुछ देर पहले ही उनके द्वारा हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। इससे पूर्व उन्होंने टिकट लेकर अपने व अपने कार्यकर्ताओं सहित क्षेत्र की जनता के साथ में आगे तक का सफ़र किया। गौरतलब है कि यह ट्रेन जो नवनिर्मित सेक्शन है अलीराजपुर से जोबट का, उस पर आज से ही शुरू की जा रही है। यह एकमात्र गाड़ी जो चलेगी प्रताप नगर से सुबह 9:05 पर रवाना होगी। बीच के सभी स्टेशनों पर रुकते हुए दोपहर 1:20 पर यह गाड़ी जोबट पहुंच जाएगी और जोबट से इसका चलने का समय यहां रिवर्सल लेकर कुछ देर बाद जोबट से रवाना होगी। ये 2 बजे दोपहर के करीब में रवाना होगी और प्रताप नगर शाम को 6:05 पर पहुँच जाएगी। जोबट स्टेशन का कोड जो नया सामने आया है वह JOBT है और खंडाला का KADA है। ये दोनों स्टेशन पूर्व में CRS होने के पश्चात भी शुरू नहीं किए गए थे, परंतु आज इनका विधिवत तौर पर जनता की मौजूदगी में उद्घाटन कर दिया गया। सुनिए डामोर साहब का उद्बोधन। जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष माननीय संतोष जी अग्रवाल साहब, जोबट विधानसभा के विधायक प्रतिनिधि और मेरे छोटे भाई निशांत रावत, मंचा से हमारे रेलवे के अधिकारी श्री मुकेश कुमार जी, जनपद पंचायत विराजपुर के हमारे जनपद पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि सम्मानी इंदर सिंह चौहान साहब, भारतीय जनता पार्टी के जिले महामंत्री, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और हमारे मंचा से सभी वरिष्ठ नेतागण उपस्थित, सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधु उपस्थित, देवियों और सज्जनों, जोबट रेलवे स्टेशन पर जो आपको ट्रेन दिखाई दे रही है ये मोदी जी की गारंटी है। मोदी है जो मुमकिन है और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण जोबट रेलवे स्टेशन पर खड़ी हमारी यात्री गाड़ी। आज से 10 साल पहले किसी ने कल्पना नहीं की थी कि जोबट जैसे आदिवासी क्षेत्र में ट्रेन आएगी, परंतु जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनी तब सबसे पहले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री मोदी जी का एक ही सपना था कि जो आदिवासी माहौल क्षेत्र है और जो विकास के मोड़ से पीछे रह गए हैं उनको तेजी से आगे लाना है। मोदी जी ने संकल्प लिया है कि देश के गरीबों की, देश के युवा साथियों की, देश की मातृशक्ति की और देश के किसानों की समस्याओं का जब तक समाधान नहीं होगा तब तक भारतीय जनता पार्टी चैन से नहीं बैठेगी और एक विकसित भारत की कल्पना कभी साकार लेगी। इसलिए चारों हमारे समाज के प्रमुख विकसित हो गए। आज इस ट्रेन के चलने से जो हमारा आदिवासी क्षेत्र है जोबट का, इस आदिवासी क्षेत्र के विकास में 4 मंत्र लगे हैं।
वापस अपने घर आ जाएंगे। जो हमारे किसान सब्जियां, फल, फूल, दूध, ये सब तो हमारे कृषि उत्पादन है, ये कृषि उत्पादन को भी उचित मूल्य पर बेचने के लिए यहाँ से बड़ौदा या गुजरात के बड़े बड़े शहरों में जाने का हम लोग सीधा सीधा माध्यम मिला है। मैं हमारे भारत सरकार के रेलवे मंत्री हैं माननीय अश्विनी वैष्णव जी, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने आपके जीवन में